वहमतुल्ला बरकता हूँ कैसे हैं आप सब बहुत दुआके अल्लाह सुबहान तद तंदुरुस्ती के साथ आपको रखे सबके घरों में अमन हो और सुकून हो इनशाला आज हम अपना लेसन नंबर थर्टी वन शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी माशाल्लाह मदीना बुक के जो नई बुक्स आई हैं एक है पुरानी बुक्स जो कि तीन बुक्स की फॉर्म में हमें मिलती हैंगी लेकिन जो नई बुक्स आई हैं वो तकरीबन उसमें टेन टेन चैप्टर करके उन्होंने बुक को डिवाइड किया है तो जो हमारी पहली बुक है माशा उसमें टेन चैप्टर हैं और हम आखिरी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके अंदर जो कुछ हमें पढ़ना है उसके नोट्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो सुबहान अल्लाह हमारी एक यानी कि मदीना बुक की जो नई बुक्स में से जो मेरे ख्याल से एट बुक्स हैं उसमें से हम पहली बुक को ख़त्म करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उस लास्ट चैप्टर में लेसन नंबर टेन में हम क्या पढ़ेंगे जमा अगेन याद कीजिए हम पहले भी जमायर पढ़ चुके हैं आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम कौन से जमाए पढ़ रहे हैं आपको नज़र आ रहा है यानी कि अटैच्ड प्रोनाउंस हमने पहले कौन से पढ़े थे डिटैच इनशा उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे तो हम शुरू करते हैं अल्लाह रसुल करीम अमाबाद अजबिल्ल हिमिन रबली सदरी विल अमरीतानी कौली يا رب العالمين आप याद कीजिएगा ये क्लास इसमें हमने जमाई की टाइप्स पढ़ी थी काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इसमें हमने दो पढ़े थे हमने कहा था दो टाइप हैं एक है डिटैच प्रोनाउन में पैर निकाल लेती हूँ ताकि आप लोगों को तो। पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ हमने दो टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमारी पहली टाइप्स क्या थी कि अजमाय अलमुनफसी यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउन और दूसरी क्या थी अटैच्ड प्रोनाउन जिसको हम उर्दू में कहते हैं तो ठीक है ये है इसका नाम हम ये पढ़ चुके थे मुनफसिल डिटैचड प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये अलग से आते हैं ये अलग से आते हैं किसी के साथ मिल के नहीं आते लेकिन ये और हर, ये इन सब के साथ तो आते हैं लेकिन मिल के नहीं आते डिटैच आते हैं और हमें ये भी पढ़ा था कि ये अराब के लिहाज से हमेशा मरफू होते हैं फिर हमने डिटैच सॉरी अटैच प्रोनाउन के मतलब हमने ये पढ़ा कि ये जुड़कर आते हैं किस किस के साथ के साथ फेल के साथ और हर्फ के साथ ये जुड़ कर आते हैं ये डिटैच क्या होता है फेल और हर्फ के साथ मिल नहीं आते हैं, अलग से आते हैं और ये अटैच इन तीनों के साथ इसम फेल और हर्फ के साथ जुड़ कर आते हैं और ये तीनों तरह का एराब लेते हैं और हमने ये बात की थी कि ये मजरूर भी होते हैं ये मनसूब भी होते हैं और ये मरफू भी होते हैं तो मरफू किस तरह से आते हैं मरफू मुतसिल जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं फिर हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ा था कि जमीर सिर्फ़ फ़ेल के साथ जुड़कर हरूफ की शक्ल में फाइल बनकर हैं और ये फाइल थे हमारे जो कि जिस फॉर्म में थे लेता तुम तुमती और ये पूरा चार्ट याद कीजिएगा ठीक है हुआ हुमा के साथ हमने खराजा फेल लिया था और उसके साथ हमने फाइल को फिर देखा था ठीक है ये सारा आपका जस्ट रिविजन आपको बता रही हूँ तो बेसिकली ज़मायर की जो दो टाइप्स हैं डिटैच और अटैच डिटैच जो है वो हमने देख लिया था कि डिटैच का मतलब क्या है मुनफसिल तो मरफू जो है वो मुनफसिल ज़मायर भी हमने पढ़े और मरफू मतसिल जमा भी हमने पढ़े ठीक है मरफू मुनफसिल कैसे थे सबसे पहले हमने पढ़ा था हुआ हुमा होम ये मरफू हैं मुनफसिल हैं अलग से आते हैं मुबदा की पोजिशन लेते हैं और मरफू कि अटैच क्या होते हैं वो फेल के साथ जुड़कर हरूफ की शक्ल में फाइल बन के आते हैं जो फाइल है तो हैं वो हमें हमने पढ़ा था फाइल की भी थ्री टाइप उसमें जो हरूफ की शक्ल में आते हैं बनकर फाइल वो कौन से जमायर होते हैं मरफो मुत्तसिल ठीक है ना तो मरफो के हमने दोनों टाइप पढ़ ली है और लेकिन हमने अटैच की जो मजरूर और मंसूब हालत है वो हमने नहीं पढ़ी हमने अटैच की मरफो हालत तो देख ली के मरफो मुतसिल अटैच किस तरह से होते हैं वो फाइल बनकर आ रहे होते हैं हरूफ की फॉर्म में लेकिन मजरूर और मंसूब जो अटैच या मुतसिल वो कैसे होते हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शक्लें दोनों की एक ही होंगी मजरूर और मंसूब की लेकिन अगेन आपको कैसे पता चलेगा कि वो मजरूर है वो मंसूब अगेन रूल से ठीक है ना मरफू हम पढ़ चुके हैं तो इंशाल्लाह यही आज हमारा टॉपिक है थोड़ा सा मे भी के आ, थोड़ा लेंदी हो जाए लेकिन होपफुली लेकिन अब अच्छा, चाह इसको हमें पढ़ना है लेसन नंबर टेन में हमारी इसी की प्रैक्टिस है और यह हमारे आज क्लास नंबर थर्टी वन में हम पढ़ने जा रहे हैं अटैच प्रोनाउन अगेन मैंने थोड़ा सा लिखा है कि अटैच प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं मरफू भी होते हैं मरफू मुतसिल भी हैं मजरूर मुतसिल हैं और मैंने यहाँ लिखा है जमीर मनसूब क्यों क्योंकि मनसूब जमायर भी मरफू की तरह दो तरह से यूज होते हैं एक तो ये मंसूब मतसिल होंगे ठीक है और दूसरा फिर अगैन वो कैसे होंगे वो भी होंगे यानी मरफूज जमाए जो थे वो भी दो तरह के थे ना एक डिटैच हमने पढ़ा था हुआ हुमा होम और अटैच हमने क्या पढ़ा था फाइल के फॉर्म में तुम ती तुम तुम याद कीजिएगा ठीक है मजरूर की फर्दर दो डिवीजन नहीं लेकिन मनसूब अगेन दो हैं मनसुब मतसिल और मनसूब मुनफसिल आज जो हम देखेंगे उन, उन जमा की शक्ल जो देखेंगे वो ये होगी मनसुब मतसिल मुनफसिल को आज नहीं हम टच कर रहे ठीक है तो आज हम मजरूर मुतसिल और मनसूब मतसिल को देखेंगे मरफू मतसिल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं जो कि फाइल बनकर आ रहे थे ठीक है तो इनशा हम आगे देखते हैं इसकी हम आ, मैंने एक चार्ट बनाया है ताकि आपको चार्ट के जरिए से समझ में आए चार्ट को पहले समझ लेते हैं मैंने सीगे लिखे सीगे का मतलब क्या होता है हम तीन चीजें देखते हैं हाजिर है गायब है मुतकल है मुजक्र है के मोनस है यानी कि जेंडर के लिहाज से भी देखते हैं अदद के लिहाज से भी देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हाजिर गायब या मुतकल तो ये मैंने पहले सीगा लिखा एक में दूसरे में मैंने देखिए क्या लिखा कि मरफू ये जो दूसरा वाला है। पहले वाले में क्या है सीगे लिखे हुए दूसरे वाले में क्या है कि मरफो मुनफसल जो डिटैच प्रोनाउन जो मरफू होते हैं वो मैंने लिखा है फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मरफू मुतसिल जमीर जो फाइल बन के आ रही है ये दोनों हम पढ़ चुके मैंने उसको यहाँ दोबारा लिखा है और आज जो हमें पढ़ना है अटैच ज़मीर हमें पढ़नी है मजरूर और मुतसिल सॉरी जमीर जो मैंने लिखा है कि क्या है कि हमें अटैच प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जो कि मजरूर वाले और मंसूब वाले हम ये दोनों आज देखेंगे उनकी शक्लें कैसी होती हैं उन जमाई की और हम ये सब पहले पढ़ के आ चुके हैं मरफो मुनफसिल जमीर हम पढ़ के आ चुके हैं मरफो मुतसिल जमीर हम पढ़ के आ चुके हैं हमने क्या कहा कि मुतसिल जो है वो तीनों तरह का इराब ले रहे हैं मुतसल ज़मायर अटैश प्रोनाउन मरफू भी होते हैं मजरूर भी होते हैं और मनसूब भी होते हैं ठीक है अटैच प्रोनाउन तो आज हम ये मजरूर मुतसिल और मजरूर जो है सॉरी मजरूर मुतसिल और मनसूब मुतसिल ज़मायर को देखेंगे उनकी शक्ल दोनो दोनों तरह से चाहे वो मुतसिल मनसूब हों मुतसिल मजरूर मुत्तसि हों एक ही शक्ल में आपको नजर आएंगे। पता कैसे चलेगा रूल्स से कि यहाँ यह मजरूर है या मनसूब चलिए हम शुरू करते हैं का मैंने लिखा पहले गायब है मुजक्कर और वाहिद। तो मरफो ज़मीर में अगर मैं पूछूं गायब का सिका सीगा मुजक्कर वाहिद का तो वो क्या होता है हुआ। हुआ, हुआ 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 अब ये जो जमीर है ये क्या है मरफो जमीर आपको याद होगी हुआ हुमा हुआ, 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 हुआ ये सब क्या है गायब है हुआ गायब मुजक्कर वाहिद है तस्निया में गायब मुजक्कर तस्निया मरफो मुनफसिल जमीर की शक्ल कैसी होती है हुमा और फिर अगर, अगर हम लेते हैं गायब मुजक्कर और जमा में मरफो मुनफसिल जमीर की शक्ल क्या आती है होम की फॉर्म ठीक है यहां पढ़ चुके हैं अब यही ही को अगर हम देखें मुजकर वाहिद में जो मरफो मुतसर जमीन जो कि फाइल बन के आती है तो हम क्या कहते हैं हुआ का जब हम लेते हैं खलाका हमने जैसे कल लास्ट वीक भी पढ़ा तो हमने क्या कहा था मुस्तिर वहाँ पे फाइल आपको नजर नहीं आता ठीक है तो ये दोनों मरफू अटैच ये मरफो अटैच है ये मरफू डिटैच प्रो है अब हम आते हैं अटैच जो है वो मजरूर और मंसूब में ठीक है इसमें कैसी होगी शकल हो हु। हु जो है ये क्या है गायब मुसक्कर वाहिद कौन सी ये जमीर है ये मजरूर की फॉर्म में भी अगर होगा अटैच प्रोना तो इसी शक्ल का होगा मंसूब फॉर्म में भी होगा तो इसी शक्ल का होगा क्योंकि जमाइर क्या होते हैं मबनी उनका एराब आपको नजर नहीं आता जो भी पोजीशन लेते हैं उसके हिसाब से हम बताते हैं कि यहाँ ये मरफू है ये मंसूब है या मजरूर है हुआ जो होता है वो हम क्यों कहते हैं मरफू क्योंकि मुबतदा की पोजीशन पे आता है और मुबतदा क्या होता है मरफू होता है मैंने यहाँ पर एक आ, वो लिया है एस एम और उसके साथ मैंने जमायर को अटैच करके भी आपको दिखाया है और यहाँ पर जो भी बना है ये क्या है मुरकबे इजाफी बन रहा है बेसिकली उसका कलम तो यहाँ पर जो ये हु की जमीर है ये मजरूर मुतसिल है ठीक है अभी मैंने मंसूब मुतसिल की शक्ल बताई आपको लेकिन उसकी मैंने एग्जाम्पल नहीं दी है यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दी है वो कलम और उसके साथ जब मैंने ये जमीर अटैच प्रोनाउन हु अटैच किया तो ये क्या बना कला हु इस तरह से दोनों के मिला के तो इसमें कलम मुँह जो है वो मुदाफ है और हु की जो जमीर है वो क्या है मुदाफ़ इले, मुदाफ इले ही हमने हमेशा कहा मजरूर होता है लेकिन यहाँ वो क्या मजरूर नजर आ रहा है नहीं क्योंकि ये हु जो है एज इट इज नजर आया हुआ तो अगेन हो क्या है यहाँ पर जमीर है इसकी शक्ल यही रहेगी लेकिन वो जिस पोजिशन पर आया है अब हमें रूल पता है कि ये हाँ यहाँ पर जो इसका अराब है वो कैसा है मजरूर है लेकिन चूंकि अपना एक ही यूनिफॉर्म रखते हैं तो उनकी जो हरकत है जो भी अराब होगा वो चेंज नहीं होगा वो हमें पोजिशन से पता चला तो हु, उस एक मुज़क़्कर का कलम तो का के की जहाँ भी आता है वो क्या होता है मरकब इदाफी पहला जो है कलामो मुदाफ है हु की जमीर मुदाफिलेही है और मुदाफी का है लेके वो always होता है। तो जो है ये हुई की पोजीशन पर है बेशक आपको कसरा ले रहा है पर कभी दाफी की पर पोजिशन पर है। मैंने आपको एक समझा दिया इसमें थोड़ा टाइम लग गया अब दूसरा आप खुद ही समझ जाइएगा हुमा है इसका भी आपको अराब क्योंकि अलिफ आ रहा है अलिफ तो वैसे उस पर कोई अराब नहीं होता तो यहाँ पर हुमा भी जो है वो मुदाफ की पोजिशन पे है और कलामो जो है वो मुताफ है इसी तरह सब में ठीक है अब हम देखते हैं सीधा दूसरा कि गायब मुजक्कर तस्निया में हमने मरफू मुनफसिल डिटैच प्रोनाउन हुमा के फॉर्म में आता है जब हम उसको अटैच प्रोनाउन लेते हैं यानी फाइल जब बनता है तस्निया में तो ये अलीफ आता है ठीक है ना सेम इसी तरह जो डिटैच प्रोन, प्रोनाउन है प्रोनाउन जो कि मजरूर या मंसूब हालत में होगा वो भी इसी तरह से होगा हुमा ये हुमा है ठीक है ये भी हुमा है ये भी हुमा है ये भी हुमा है ठीक है ये सॉरी मेरे पैन मेरा इसको दिखा रहा है कुछ मैं इसको दोबारा से आप लोगों के लिए क्लियरली लिखता हूं ताकि कोई गलती ना हो ये हुमा है सॉरी जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती तो मैं उसके ऊपर हाथ लगाऊंगी तो ये पेज मूव हो जाएगा ये इस तरह से देखिए दोनों जमाइर जो है ना मैं कलर चेंज कर लेते चाहे मरफूब मुनफसल डिटैच मरफू जो जमीर है वो भी उमा में है और मजरूर और मंसूब जमीर भी जो है ये यह यहाँ पर अटैच है ये डिटैच है ये अटैच है लेकिन शक्ल देखिए सेम है तो पता कैसे चलता है फिर हमें बायरूर पता चलता है ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो मैंने कलम के साथ इसको लिखा कलम तो यहाँ पर ये यह क्या है मजरूर है ठीक है उन दो मुजक्कर का कलम जमा हम देख लेते हैं गायब मुजक्कर जमा में हमने पढ़ा था डिटैच प्रोनाउन होम और जब हमने उसको अटैच मरफूज अमीर के जो हमने देखी थी जो फाइल बन के आती है वो क्या थी क्या था जब हम फाइल जब बना था वो अलिफ क्या था वो वाव की प्रोटेक्शन के लिए आया था तो जब ये अटैच प्रोनाउन है जो कि मंसूब या मजरूर फॉर्म में तो इसकी शक्ल भी सेम है फिर हमें कैसे पता चलेगा बाय रूल कलम होम में क्या है कि कलम मुदाफ और होम जो है मुदाफ ले अगेन उन सब मुसक्र का कलम आगे हम जाते हैं गैब मोनस वाहिद को देख लेते हैं गैब मोनस वाहिद जो था वो अगर हम देखें हैं डिटैच मरफू प्रोनाउन में यह की फॉर्म में है जब वो फाइल बनता है अटैच मर्फू प्रोनाउन बनता है तो ये शक्ल थी आपको याद होगा पीछे जाके देखिएगा आई थिंक वो लेसन नंबर फोर्टीन फिफ्टीन है लेकिन जब ये बनेगा अटैच प्रोनाउन मजरूर या मंसूब, तो यह हा होगा ठीक है यह था यहाँ पर यह हा होगा या मरफू डिटैच प्रोनाउन है हा जो है वो अटैच मजरूर और मंसूब प्रोनाउन है मैंने कलम कलम के साथ उसको रखा तो कलम हा तो यहाँ उसकी पोजिशन मुदाखिले ही है और ये मुताह लेकिन ये यहाँ पर मजरूर हालत में है तस्निया में देखिए सेम है हुमा और इसका भी हुमा यानी मरफू डिटैच प्रोनाउन में हुमा है अटैच मरफू प्रोनाउन जो कि फाइल की फॉर्म में आता है ता है ये और हुमा जो है वो डिटैच सॉरी अटैच प्रोनाउन है मंसूब और मजरूर दोनों फॉर्म में वो हुमा ही लिखा जाएगा और यहाँ पर भी ये मुदाफिले ही बन रहा है उन दोनों मोहनस का कलम ठीक है ये ट्रांसलेशन लिखी हुई है गायब मोहनस जमा में देखिए हमने पढ़ा था कि मर्फू डिटैच प्रोनाउन में जो जमीर होती है वो इस इस तरह से शक्ल में होती है हुन्ना हुन्ना और जब ये फाइल की फॉर्म में आता है मर्फू अटैच प्रोनाउन जो कि फेल के साथ जुड़ के फाइल बनता है तो ये वहाँ पे फाइल हमें ना की शक्ल में नजर है नून फतेह के साथ यहाँ पर भी जो है, लिखा है कलामो नजरूर फॉर्म में है क्योंकि ये मुदाफ ही है इसी तरह हम हाजिर मुजक्कर वाद को हम देखते हैं कि मरफू अटैच सॉरी मर्फू ड प्रोनाउन में हमने देखा था अंता होता है ठीक है ना और अटैच मर्फू प्रोनाउन जो ये बनता है फाइल के फॉर्म में आता है तो ये ता होता है लेकिन अटैच मनसूब या मजरूर की जब आप देखेंगे जमीर तो ये का है यहाँ अंता था फाइल जो बन रहा था फाइल के साथ जो, जो जुड़ गया है तो वो ता था लेकिन यहाँ पर मजरूर या मंसूब अटैच प्रोनाउन क्या है का उसको मैंने सिम के साथ वही लिखा तो यहाँ पर भी का की जो पोजीशन है वो वह यानी कि मजरूर हालत में है सेम इसी तरह से हम देखते हैं हाजिर मुजक्कर तस्निया तस्निया में हमने देखा था अंतुमा और ये तुमा जो था वो फाइल बन के आ रहा था मरफू अटैच प्रोनाउन होता है जो कि फेल के साथ जुड़कर फाइल बन के आता है था उसकी शक्ल ये होती है कि ये फाइल है तुम दो मुजक्कर ठीक है ना अब हमने ये देखा कि अटैच जो हमारा मनसूबा मजरूर प्रोनाउन है उसमें तस्निया के लिए क्या आया कुमा कुमा तो यहाँ कुमा क्या है मजरूर हालत में इसी तरह जमा में देख लीजिए हाजिर मुजक्कर जमा में हम लेते हैं डिटैच प्रोनाउन जो कि मरफू होते हैं वो क्या होते हैं अंतुम अब अटैच तो मरफू प्रोनाउन क्या होते हैं वो इस तरह से होते हैं तुम तुम राइट right? ये फाइल बन रहे होते हैं तो ये कौन से है? attach, मर्फु हैं अटैच मरफू प्रोनाउन है अब अटैच मजरूर और मंसूब प्रोनाउन कैसे होते हैं कुम इस तरह से होंगे तो यहाँ पे कला वकुम कुम जो है वो मजरूर हालत में है तुम सब मुजहर का कलम इसी तरह हाजिर मोनस वाहिद में हमने पढ़ा था अंतिच डिटैच प्रोनाउन सॉरी मैं कहा ना सब इसको हम टच करते हैं तो स्क्रीन को तो वो गायब हो जाती है इसलिए मैं जरा एहतियात से करती हूँ हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हम हाजिर मोनस वाहिद तक हम आए थे कि हाजिर मोनस वाहिद में डिटैच डिटैच हमारा जो है प्रोनाउन मरफू वो क्या है अंति अटैच मरफू जो हमारा प्रोनाउन है वो ती था जो फाइल बन के आता है अब यहाँ पर जो की है ये है अटैच प्रोनाउन है मंसूब या मजूर हालत में वो आपको इसी तरह से नजर आएगा कलामो की तुम एक मोन नजा कलाम यहाँ पे की, की जो हालत है वो क्या है मजरूर तो ये मजरूर अटैच प्रोनाउन है ठीक है इसी तरह हाजिर मौनस तस्निया में हमने पढ़ा था मरफो मुनफसिल डिटैच मर्फो प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा अंतुमा और डिटैच डिटैच में ये है अंतुमा अटैच मर्फो प्रोनाउन जो था हमारा वो तुमा है अटैच मंसूब और मजरूर प्रोनाउन में जो हमें नजर आता है शक्ल वो कुमा तो यहाँ पे कलम कुमा तुम दो मोनस का कलम तो कुमा की यहाँ पर जो आ, ये न, कुमा जो है यहाँ पर क्या है मजरूर हालत में है और ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा प्रोनाउन है तो आप कहेंगे अटैच प्रोनाउन है और मजरूर है क्योंकि मंसूब और मजरू की शक्लें देखे की जैसे सब सब में तो आपको पता चलेगा कि कुमा जो यहाँ पर आ रहा है वो इसम के साथ मिलकर आ रहा है और इसमें अगर हम देखें उन दो मोनस का कलम तो मरकब इदाफी बन रहा है तो ये क्या है मुदाफ और फिर मुदाफिले ही और मुदाफिल ही ऑलवेज मजरूर होता है तो कुमा जो है यहाँ पर क्या है अटैच प्रोनाउन है मजरूर वाला मजरूर हालत में इसी तरह जमा में हम देख लेते हैं हाजिर मोन्नस जमा अंतुन्ना क्या है मरफू है और क्या है डिटैच प्रोनाउन है तुन्ना क्या है ये भी मरफू है लेकिन ये अटैच प्रोनाउन है यहाँ पर ये फाइल के फॉर्म में आ रहा है इसी तरह कुन्ना क्या है ये भी अटैच प्रोनाउन है लेकिन ये मंसूब और मजरूर दोनों हालतों में आपको ऐसा ही नजर आए ठीक है कला मुंह तुम सब मोनस का कलम तो ये मज़रूर यहाँ पर अटैच प्रोनाउन है कुन्ना मुतकलम हम जानते हैं मुजक्र मोनस दोनों में के लिए जो है वो क्या आता है अना ये अना जो है वो मरफू मुफो मुनफसिल जमीर है जिसे हम कहते हैं डिटैच प्रोनाउन ये क्या है मरफो की फॉर्म में आता है, जो है इसका तो जो है ये भी मरफू है और ये क्या है कौन सी जमीर है अटैच प्रोनाउन या मुतकल इसको कहते हैं या जो है ये क्या है ये अटैच प्रोनाउन है और ये मनसूब और मजरूर दोनों हालतों में आपको या ही नजर आएगा और इसको हम क्या कहते हैं या मुतकल दिख लीजिए अगर मिच लिखा हुआ होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको हम या मुतकलम कहते हैं कलम के साथ मिलाया तो क्या बना कला मी अब कला मुँह था कलामोह हर जगह आप देख रहे हैं कला मुँह तो यहाँ पर वो कसरा क्यों लिया आपको पता है या की डिमांड होती है कि या से पहले कसरा होना चाहिए पढ़ने के आसानी के लिए मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता उसका ट्रांसलेशन होता है मेरा मेरी मेरा कलम जमा मुजक्कर मोनस आपने देखा कि नाहनु जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी जमीर है तो आप सबसे पहले कहेंगे ये मर्फू है अगर मैं आपसे पूछूं अटैच है कि डिटैच तो आप कहेंगे डिटैच ठीक है क्योंकि अलग से आती है किसी के साथ मिलके नहीं आती और मरफू है ना मैं आपसे पूछूं कि क्या है तो आप कहेंगे अब ना आपको देखिए जब मिलता है तो आप उसको ये कहेंगे कि ये फाइल बन रहा है क्यों क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है फेल के साथ मिलकर आता है और फाइल की पोजीशन लेता है तो ये मर्फू अटैच प्रोनाउन है अब मरफू अगर मैं आपसे कहूँ सॉरी मजरूर और मंसूब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कौन से हैं ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है तो आप क्या कहेंगे ये कौन सा प्रोनाउन बताइए कौन सा प्रोनाउन ना जो है वो जमा जो है जमा और तस्निया दोनों के लिए आता है और उसको हम जहा पर जो ना आपको नजर आ रहा है ये मजरूर और मंसूब जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है मैं एक चीज यहाँ पर देख रही हूँ अपनी बुक में सॉरी मैं, मैं पहले बाद में आपको बता देती हूँ मैं जो चीज देख रही थी यहाँ पर जो है ये ना जो है ये मजरूर और मंसूब अटैच प्रोनाउन है मैंने इसके साथ मिलाया इस साथ तो ना तो यानी कि हम सब मुजक्कर हम सब मोनस का कलम दोनों के देखिए ना फाइल भी बन रहा है ये फाइल जब बनता है जैसे अगर हम कहें कोई वर्ड आ, आता है कोई भी हम फेल ले सकते हैं मुझे आयत याद नहीं और इंशाल्लाह मैं नीचे देखती हूँ कुछ भी आयत याद आती है तो मैं फिर बताती हूँ दोनों जगह ना है लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये फाइल है और ये जो है वो अः uh, क्या कहते हैं मजरूर या मनसूब है अभी हम सिर्फ मजरूर पढ़ रहे हैं तो देखिए मजरूर कैसे पता चला कि वो के साथ जुड़ा है ये फेल के साथ जुड़ेगा जैसे तो हमने क्या कहा था जेम के जेम पे सुकून होगा ना खरज ना तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि खराजा फेल है ना और ये फाइल बन के आ रहा है तो ये ना जो है यहाँ पर फाइल की पोजिशन पर है यहाँ पर वो किस पोजिशन पे मजरूर क्योंकि क्या है हम सब मुज़क़्कर का कलम तो ये मुरक्ब इजाफी बन रहा है तो ये ना जो है यहाँ पर मजरूर हालत में है और अगर मैं आपसे पूछू कि ये कौन सा है प्रोनाउन तो आप कहेंगे ये अटैच मजरूर प्रोनाउन है ये कौन सा प्रोनाउन है आप कहेंगे ये भी अटैच तो है लेकिन ये मरफू है और ये कौन सा है मजरूर है तो मैं एग्जाम्पल इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि फॉर एग्जाम्पल समझ में आ जाए अलहमदुल्ला होपफुली uh, फुली आपको ये जो चार्ट है ना अपने पास लिखी है बार -बार पढ़िए यहाँ एक तरह से जितने मैंने जितने मर्फ, जितने हमने प्रोनाउन पढ़ लिए हैं वो सारे यहाँ पर हमने हुआ हुमा पढ़ा था जो कि मरफो मुनफसिल जमीर था फिर हमने मरफो मतसिल जमीर जो कि फाइल बन के आती है वो सब देखे थे कि हरूफ की शक्ल में आते हैं आज हमने जमीर जो है अटैच प्रोनाउन मजरूर और मंसूब दोनों की हमने शक्लें देख ली लेकिन हमने आज जो पढ़ा वो सिर्फ मजरूर अटैच प्रोनाउन पढ़ा है अभी मंसूब अटैच प्रोनाउन हमने नहीं पढ़ा ठीक है तो ये चीज है इनशाला थोड़ा सा एक दो पॉइंट में आपको और बता दूं क्लास मेरी लंबी हो रही है होपफुली कि ये थोड़ा सा समझ में आ जाए हमें देखिए जमीर मजरूर मुतर अटैच प्रोनाउन जो कि मजरूर फॉर्म में होते हैं ये कि किसके साथ जुड़ के आते हैं या हर के साथ ठीक है ना जुड़ के आते हैं लेकिन जो अटैच प्रोनाउन है जो कि मंसूब है मनसूब मुतसिल अटैच प्रोनाउन जो के मंसूब है ये फेल के साथ जुड़ कर आते हैं तो भी हमने मंसूब मुतसिल इसलिए नहीं पढ़ा कि हमने फेल तो लिखा नहीं है वहां पर जब तक हमने सिर्फ ऐसे में लिखा है तो ये फेल के साथ जुड़ कर आते हैं और उनकी जो पोजिशन होती है वो मफूल जो है वो मफुल भी ही बनते हैं मफूल भी इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे जब फेल पढ़ेंगे तो वहां भी आपको समझ में आएगा तो ये उस वक्त मफूल इसलिए हम कहते हैं ना मनसूब होते हैं ऑलवेज क्यों क्योंकि जो, जो जो जमीर हमने देखी शकल तो वही होगी शक्ल देखिए यही होगी ये जो जितनी ये शकल है ना कुंका कुमा कुम की कुमा कुना या ना शक्लें यही होंगी लेकिन जब ये फेल के साथ जुड़कर आएंगे तो ये जो है मफूल बन रहे होंगे लेकिन जब यही शक्ल की जो हमारे डिटैच सॉरी अटैच प्रोनाउन है की काकुमकुम कीकुमाकुन्ना जब ये इसी मोर हर्फ के साथ मिलकर आते हैं तो ये मजरूर होते हैं ठीक है अब मैंने दो तीन पॉइंट लिखे हैं पहला पॉइंट क्या है कि तमाम समाये मबनी होती है आप सबको पता है लेकिन अभी जो हमने अटैच प्रोनाउन पढ़े हैं उसमें पांच फाइव ऐसे प्रोन, ऐसे हैं जिनमें हरकत की तब्दीली होती है हरकत की तब्दीली होती है वजह क्या है सिर्फ बोलने में आसानी के लिए उनसे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब कौन से जो है अटैच प्रोनाउन है हु होमा, होम ये कौन से है मुज़क़्कर गायब, हमने फाइव बोले ना तीन ये हो गए मुजक्कर गायब, अब मोनस गायब जो है वो क्या है हुमा हुन्ना हु, हुमा होम ये मुजक्कर गायब, हुमा और हुन्ना ये पांच जमािर हैं जिनका क्या होता है उनकी हरकत में तब्दीली हो जाती है अब ये बदल कर कैसे हो जाते हैं हु था ही हो जाता है हुमा था हिमा हो जाता है होम था हिम हो जाता है यानी दम्मा जो है वो कसरा में बदल गया इसी तरह हुमा ये मोहनस का अगेन मैं इसको फिर इसको सही कर दू हिमा हो जाएगा यानी कि दम्मा कसरा में चला जाता है इसी तरह हुन्ना जो है हिन्ना हो जाता है कसरा में आ जाता है क्यों हमने कहा पढ़ने की आसानी के लिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए अला कुलू बी हिम अला कुलू बी हिम अब होम था हिम हो गया अगर मैं इसको कहूं अला कुल्लू बी होम तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अला कुलू बी होम लेकिन अला कुलू बीम तो पढ़ने की आसानी के लिए वो होम जो था वो हिम में कन्वर्ट हो गया अब अला जो आपको पता है हर्फे जर है है तक जो कंपाउंड वो कौन सा कंपाउंड है मुरकब जारी अब कुलु बी हिम जो है ये कौन सा मुरकब कुलु बी जो है पहली पोजीशन है वो सब दूसरी पोजिशन उदाफ और हिम की पोजीशन जो है मुदाफिले ही है अगर मैं आपसे पूछूं ये हिम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है तो आप कहेंगे ये अटैच मजरूर सॉरी अटैच मजरूर जो है ये प्रोनाउन है ठीक है सॉरी पैन मेरे हाथ से गिर गया तो ये इस तरह से हो गया ये जो हमने पढ़ा ना आज मजरूर उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहां पर होम से हिम कैसे हो गया कि वो पढ़ने की आसानी के। इसी तरह देखिए दूसरा है ये भी दोनों ही है मुरक पे दाफी बी ई मा नी हिन्ना हन्ना था हिन्ना हो गया इसे पढ़ने की आसानी के लिए इसी तरह हम फी ही हु था ही आ गया से पढ़ने के फी फीह मुश्किल लगेगा ना फी ही फी हर फेजर है और उसके साथ जब हमने इसको अटैच किया तो ये मरकबे जारी बन गया ही जो है यहाँ पर इससे मजरूर है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा प्रोनाउन है तो आप क्या कहेंगे कि ये अटैच मजरूर प्रोनाउन है ठीक है ना यहां मैंने इससे मजरूर क्यों लिखा आपको पता है ना कि ये जितने भी जमा इसम की जगह यूज होते हैं तो हमें सब मजरूर इसीलिए कहा कि इसम को रिपीट नहीं करना तो यहां पर उन्होंने इसकी जगह जमीर ली है अगर मैं आपसे पूछू जमीर कौन सी है तो आप कहेंगे अटैच मजरूर जमीर है पॉइंट नंबर टू आप जो है वो देख लीजिए बहुत इजी है ये आपके तजवीद के रोल हैं उसमें क्या है पॉइंट नंबर टू में कि जब दो या मिलती है साकिन साकिन या एक या जो है दूसरी ये वाली जो या है ये क्या है या मुतकलम जो कि हमने कहा कि मुशक्त मोनस दोनों के लिए आती है अगर उससे पहले या मुतकलम से पहले कोई ऐसा इसम आ रहा है या हल्फ आ रहा है जिसमें या है लेकिन उसके ऊपर सुकून है तब क्या करेंगे ईदगाम करेंगे दोनों को जब इदाम कर दिया तो ये शक्ल आ गई या है और या के ऊपर तशदीद है और फिर फतेह है तशदीद के साथ पता लगा देते दो जब साकिन या मिलती हैं, तो जब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो उसके ऊपर तशदीद और उसके साथ फता आ जाता है मसलन अब हमने लिखा फी अब फी जो है वो हरफे जर है और मुझे उसके साथ या मुतकलम को अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी कि ये भी साकिन या है ये भी साकिन या है इन दोनों का मैंने इंतजाम किया तो फी या अब मुझे यहाँ पता चल गया ये दो या एक या नहीं है एक फी की या है और एक दूसरी या मुतकल की या है तो फिर दोनों को मिलाया तो तश्तीर और पता ये कोई मुश्किल है ये लोग आप आपकी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थर्ड पॉइंट भी बहुत ईजी है कि अगर हरफे जर्म में आता है ठीक है ना और उसके बाद या, या मुतकल आती है अब आ जाए या मुतकलिन तो फिर अब क्या है क्या है कि मिन पे भी सुकून है या पे पे सुकून है तो अब दो सानारे तो अब मुझे मिन का जो सुकून है मिन की नून का जो सुकून है नून पर जो सुकून है उसकी हिफाजत के लिए मैं एक और नून का इजाफा करूंगी जिसका नूने मकसूरा यानी कि नून मकसूरा क्यों जो नून कसरा के साथ आता है उसको नून मकसूरा कहते हैं उसका मैं इजाफा कर दूंगी तो अब इस नून मकसूरा को जो मैंने इजाफा किया तो इस नून को आप क्या कहते हैं सॉरी आज लंबा भी हो गया है और जो पेन है वो भी तंग कर रहा है इसको या मुतक्ल लिख लीजिएगा मैं लिख देती हूँ क्योंकि वरना फिर आप लोगों को नोट्स के वक्त याद नहीं रहेगा ये क्या है दूसरी या या मुतकल ठीक है तो इनशाला बस हमारा ये खत्म हो रहा है हम बात ये कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की कि अगर हर जर मिन है आता है उसके बाद या मुतकल आती है या मुतकल पर सुकून है तो जो मिन है वो उस पर भी सुकून है अब मिन का जो नून है उस, उसके पर जो सुकून की हम उसके हमें हिफाजत करनी है तो उसकी हिफाजत के लिए हम एक नूने मकसूरा लेके आते हैं नूने मकसूरा किसे कहते हैं जो कसरा के साथ आता है नून तो उसका इजाफा किया जाता है इस नून को हम क्या कहते हैं नून नुल, नून अलविकाया कहते हैं मसलन मसला जड़ लेकर आई ठीक है ना मुझे या मुतकलिम के साथ उसको ज्वाइन करना है ठीक है ना अब मुझे या मुतकल के साथ उसको ज्वाइन करना है तो अब ये भी साकिन है नून और ये भी साकिन है। अब वहां ऊपर जो था वो दो या थी तो एक ही फैमिली की थी तो हमने उनको मिला के आपने क्या किया

और जब उसको मिलाया तो ये कैसे बना मिन नी मिन नी यानी के देखिए एक तो है मिन ठीक है दूसरा फिर ये नून इसके अंदर मिला तो ये दो नून हो गए इसलिए ये दोनों जब नून मिले तो ये जो है कसरे के साथ आया है और जब हमने इस पे या का इजाफा किया तो ये क्या बन गया ये शक्ल मिन नी तो अब नून से मुझे पता चला है, मिन और नी यानी कि दो नून है और कसरा क्यों आया क्योंकि या की डिमांड पहले कसरा वैसे भी हमने नून मकसूरा लिया है जो कि कसरा की फॉर्म में होता है ठीक है यानी या की डिमांड तो होती है कि उस पर कसरा आए ठीक है लेकिन यहाँ पे जो नून भी हमने लिया था वो भी हमने कसरा की फॉर्म में लिया तो ये थोड़े से रूल हैं क्योंकि अभी आप जब लेसन नंबर टेन पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीजें जो है आपको काफी मिलेंगी तो मैंने कहा मैं आपको पहले से बता देती हूँ आज का लेसन थोड़ा हमारा लंबा हो गया है लेकिन ये कि जो हमेशा जमाए जब भी हम पढ़ते हैं हमारा टाइम अप हो जाता है तो इनशाला मैं रिपीट नहीं करूंगी आप उसको खुद बार बार पढ़िएगा ऑलरेडी हम बहुत टाइम ले चुके हैं आपका तो इनशाला फिर मुलाकात होती है लेसन नंबर टेन शुरू करेंगे उसमें आपकी काफी प्रैक्टिस होगी जमाए की सब तरह के जमाए की होगी इनशाला

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته